खातिन हजरात फ्री करियर आपको किसी भी बंदिश से आज़ाद करता है जो जॉब की बंदिश नाइन टू फाइव टाइमिंग्स वर्किंग विद कोलीग्स यू आर नॉट कंफर्टेबल विद वर्किंग अंडर अ बॉस जो आपको रत्ती बराबर भी पसंद नहीं लेकिन फ्री का काम करते करते इसके अपने भी प्रोज एंड कॉन्स हैं और वो मिस्टेक्स जो टिपिकली फ्रीलांसर्स इग्नोर करते हैं वो उनके काम को बहुत हर्ट करती हैं आइए आज हम उन चार हैंड पिक्ड फ्रीलैंसिंग करियर मिस्टेक्स को नोटिफाई करवाते हैं जो आप जाने या अनजाने में गलतियां करते हैं और आपके काम आपके करियर आपके लॉन्ग टर्म करियर सो टू स्पीक पे नजरअंदाज होते हैं सो दीज आर दी फाइव फ्रीलैंसिंग करियर मिस्टेक्स स्टार्टिंग विद सेटिंग रैंडम रेट्स जनाब ये ऐसा है कि आपकी एक फल की दुकान है सुबह के वक्त फल की प्राइस कुछ और दोपहर के वक्त फल की प्राइस कुछ और और शाम के वक्त बिल्कुल ही गिर गए डज दैट वर्क दैट वे इट रियली डज नॉट वर्क दैट वे जब आप रैंडम रेट्स रखते हैं अपने काम के मिसाल के तौर पे आप ग्राफिक डिजाइनर हैं और एक क्लाइंट को आप कहते हैं कि मैं लोगो डिजाइन करूंगा तीस डॉलर का दूसरे क्लाइंट को आप कहते हैं मैं लोगो डिजाइन करूंगा दो सौ तीस डॉलर का हैं? ये क्या बात हुई भाई इसका मतलब यह है कि आपको अपनी प्राइस का ही नहीं पता जब आप अपनी प्राइस का तयन नहीं कर सकते तो आप कंसिस्टेंसी परसिस्टेंसी अपने काम में नहीं लेके आ सकते सो so, जो फंडामेंटल मिस्टेक मेरे नज़दीक और मैंने खुद ये बहुत गलतियां की हैं दोस्तों वक्त के साथ एहसास हुआ कि जब आप स्टैंडर्डाइज कर देते हैं अपने रेट्स को तो आपके ब्रांड इमेज के साथ आपकी प्राइसिंग रेजोनेट करती है यानी कि लोगों को पता होता है कि इस ब्रांड की ये प्राइस है ये पर आर इतना चार्ज करता है ये एक पर्टिकुलर जॉब की बाल पार्क फिगर यानी लगभग इतना चार्ज करता है सो so, हमेशा प्राइस को कंसिस्टेंट रखिए इनकंसिस्टेंसी इन योर रेट्स यू आर आस्किंग ट्रबल। दूसरी चीज इग्नोरिंग रेफरल्स। अब एक मासूमाना सवाल यहां पे यह पैदा होता है कि फ्रीलैंसिंग का काम कर रहे हैं रेफरल्स का क्या लेना देना भाई रेफरल्स का लेना देना इतना जरूरी है जितना कि एक किताब आप ख़रीदते हैं और उसके टेस्टीमोनियल्स स्पेस से गुजरते हुए जाते हैं बिफोर रीडिंग द बुक बिकॉज पीपल आर गिविंग ऑल द गुड रिमार्क्स एंड रिव्यूज़ अबाउट द ऑथर ऑफ दैट बुक सिमिलरली जब आप रेफरल्स के लिए फ्रीलांस मार्केटप्लेस की अहमियत को नोटिफाई करवाते हैं उसका मतलब ये है कि आप अपने काम से रिलेटेड वीडियोस बनवाते हैं आप अपनी वेबसाइट पे या अपने फेसबुक पेज पे या अपनी फ्रीलांस मार्केटप्लेस मार्केट प्लेस प्रोफाइल पे बिड करते हुए वीडियोस के तौर पे या पीडीएफ के तौर पे या किसी भी कंटेंट की सूरत में उन तमाम रेफरल्स इंक्लूड करते हैं जो आपके काम आपके दाम आपकी क्वालिटी और आपकी कम्युनिकेशन इन चारों चीजों के बारे में प्रेस करते हैं सो रेफरल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रीलैंस एक्चुअली मेक अ फंडामेंटल मिस्टेक ऑफ इग्नोरिंग रेफरल्स वेयर एज दे डू नॉट रियलाइज ऑल द वर्क फ्रीलांसर्स अट्रैक्ट इज नॉट जस्ट द फ्रीलैंस मार्केट प्लेस आपकी वेबसाइट भी है आपका सोशल मीडिया पेज भी है जहाँ से आप काम ले सकते हैं सो काइंडली डू नॉट इग्नोर द इंपॉर्टेंस ऑफ रेफरल्स इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से खातनो हजरात लेन देन करते हुए कॉन्ट्रैक्ट का होना बहुत जरूरी है यह हमने अपने बुजुर्गों से सीखा और हमारा दीन भी इसी बात का प्रचार करता है कि चाहे दो भाई क्यों ना हो लेकिन जब आपस में कोई लेन देन हो तो उसकी लिखत पढ़त जरूर होनी चाहिए उसका कॉन्ट्रैक्ट फॉर्मेट जरूर होना चाहिए जब आप फ्रीलैंसिंग करते हैं अगर आप प्राइस या मनी से इंस्पायर और मोटिवेट uh, हो के जज्बात में आके कहते हैं अच्छा चलो एम्प्लॉयर कोई मसला नहीं तीन हजार डॉलर हैं पाँच हजार डॉलर हैं काम करते हैं पैसा का क्या है जुबान दे दी जुबान ही सब कुछ होता है हम मुसलमानों के लिए जुबान ही बहुत कुछ होता है इन ऑल दो डायलॉग्स वी टिपिकली डू राइट व्हेन वी आर डूइंग दैट दैट लेन देन दैट बिजनेस कम्युनिकेशन जब बिजनेस में प्रॉब्लम आती है तो तब कॉन्ट्रैक्ट ही आके रेस्क्यू करता है बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट डिफाइन करता है माइल कॉन्ट्रैक्ट डिफाइन करता है डिलीवरेबल्स कॉन्ट्रैक्ट डिफाइन करता है प्राइस कॉन्ट्रैक्ट डिफाइन करता है लीगल uh, जो लिमिटेशन है लीगल प्रिवलेजेस हैं और कॉन्ट्रैक्ट डिफाइन करता है सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आप दोनों आपस में बंधे हुए हैं और इस कॉन्ट्रैक्ट का मुदत मैार कितना है अगर कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं और अगर प्रॉब्लम आ गई कम्युनिकेशन में या बिजनेस में ऊंच नीच आ गई दो पार्टीज के कि आप और एम्प्लॉयर फिर क्या काम होगा चौथी इंपॉर्टेंट बात और मैं इस बात का सबसे ज्यादा एडवोकेट हूं ओवर फिलिंग योर प्लेट यानी कि फिलिंग योर प्लेट दैट इज फुल देखिए हमने पहले भी यह बात की कि आप एंटरप्रेन्योरशिप शूज फिल कीजिए अगर आपका काम बढ़ता है आउटसोर्स करना शुरू कर दीजिए लेकिन विदाउट डूइंग द प्रॉपर वर्क विदाउट एक्चुअली स्टेइंग सिस्टमैटिक विदाउट यूजिंग द मैनेजमेंट टूल जिसके बारे में हम आगे बहुत डिटेल से बात करेंगे तो भाई आपको ये नहीं पता होगा आपने काम किसको दिया या आपने ओवर काम ले लिया अपनी इस्तेदा से ज्यादा और आप उसको कंप्लीट नहीं कर सके मैं आपको एक एग्जाम्पल दूंगा नाम लिए बगैर फेमस मूवी स्टार ऑफ सेवेंटीज वो वॉज वंस नोन एज अ चॉकलेट हीरो He lost his career just because he signed too many films than what he could undertake. जब उन्होंने इतनी सादा मूवीज को साइन कर लिया एक वक्त में क्यों आ गया टाइमिंग की क्लैश आ गई डिलीवरी हो नहीं सकती थी जब डिलीवरी नहीं हो सकती थी काम की जब सेट्स पे नहीं पहुंच सकते थे तमाम प्रोड्यूसर्स ने पैसा वापस मांगना शुरू कर दिया सेम गोज फॉर द फ्रीलैंसर इमेजिन आप एक आदमी हैं एक शख्स और जिसने दस प्रोजेक्ट उठा लिए क्या आप उन दस प्रोजेक्ट्स के साथ इंसाफ कर सकते हैं आपके पास सिर्फ चौबीस घंटे होते हैं जिसमें आपने सोना भी है सोशल टाइम भी देना है अपने लिए भी टाइम लेना है और काम भी करना है तो जब आप इतने ज्यादा काम उठा लेंगे जो आपकी इस्तान से ज्यादा हैं एंड रिजल्ट खातिन हजरात की अवसी होता है और फिर आप पैसा लूज करते हैं रेपुटेशन डैमेज करते हैं और यकीन जानिए रेपुटेशन और पैसा लूज करने से ज़्यादा सम वन हुज डन ओवर 1.5 पॉइंट फाइव डिकेट्स ऑफ फ्रीलैंस वर्क यकीन जानिए सबसे ज्यादा तकलीफ दे चीज पाकिस्तान का नाम डैमेज करना है पाकिस्तान है तो हम हैं अगर पाकिस्तान का नाम ही डैमेज हो गया रेपुटेशन मुल्क की खराब होगी आपको कोई और एम्प्लॉयर काम दे देगा लेकिन एक दफा जो पाकिस्तान के नाम से पुट ऑफ हो गया वो वापस हमारे मुल्क नहीं आएगा काम लेने आप अपने मुल्क के ब्रांड एम्बेसडर हैं एहतियात कीजिए पांचवी मिस्टेक जो आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हैं इसका उर्दू तर्जमा यह है कि आप कुछ भी ना करें और काम आपकी तरफ खुद बखुद आ जाए अरे भाई ना तो आप शाहरुख खान हैं और ना आप कोई टॉम क्रूज हैं कि फिल्म्स मूवीज आपको जो है वो ढूंढेंगी और आप जो ना आप कुछ मेहनत किए बगैर वर्क लीड्स ले लेंगे वर्क लीड्स का मतलब है के काम आपको खुद ब खुद रेफरल होके मिल जाना ऐसे तो होने का नहीं आप तो सिर्फ बिगनर्स हैं जब तक आप बिडिंग नहीं करेंगे जब तक आप रेफरल्स के आ, सिस्टम को नहीं समझेंगे कि लोगों को बताएं कि आप हैं कौन अपने काम के बारे में आगाही उजागर करें तब तक तो आपको काम मिलेगा नहीं तो फ्रीलांस मार्केट प्लेस पर सबसे इंपॉर्टेंस इस बात पे दी जाती है कि आप बिडिंग करें और जब आप बिडिंग करेंगे ही तो आपको जवाब आप मिलेगा जब आप बिडिंग नहीं करेंगे तो काम तो आपके पास खुद ब खुद आने से रहा हां एक वक्त जरूर आता है जब काम आपको खुद तलाश करता है लेकिन उसके लिए प्रोफाइल पांच साल बड़ी चाहिए या एक साल बड़ी चाहिए उसमें फीडबैक बहुत अच्छी चाहिए उसमें अर्निंग्स बहुत अच्छी चाहिए सो ये जो बेसिक पांच मिस्टेक्स हैं आ, जो मेरे नजदीक फ्रीलांसिंग करियर का सत्यानाश कर देती हैं खातन हजरात Avoid them.